अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौलिया सिंह हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जौलिया सिंह का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुस्लिम से मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्य खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, उनके बारे में मुख्य किस्म के मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। मैं मुख्य बीमारियों को मैं आपको रेमेडीज भी बताता हूँ, इलाज बताता हूँ और बहुत ही आसान से टोटके बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एसिडिटी के हवाले से यानी तेजाबियत के हवाले से पाँच ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप इन्हें अपनी खुराक के अंदर शामिल कर लें, रूटीन बना लें, तो हर खाने के बाद आपको कभी भी तेजाबियत नहीं होगी, आप पुरसकून रहेंगे, आपके पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा और दोस्तों बेहतरीन फूड आइटम्स हैं, आसानी से अवेलेबल हैं। तो दोस्तों तेजाबियत की जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस बना के दे चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, दोस्तों जाके आप लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोज भी देख सकते हैं। और दोस्तों तेजाबियत जो है ज़्यादातर जो है मुर्गन गजाए खाने से होती है, मिर्च मसाले खाने से होती है, तेज नमक तेज मिर्च मसाले खाने से भी होती है, मैदा से बनी हुई अशा जो होती हैं, समोसे पकौड़े इसे खाने से भी तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है। चले दोस्तों बगैर टाइम जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर जो है हमारा तुलसी का पौधा, अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते होंगे मैं तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन जो है अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। दोस्तों अगर आप खाने के बाद जो है 5 से 10 जो है पत्तियों को बाहर काट कर एक गिलास पानी के अंदर जोश देके इसे पी लें, तो आपके मैदे के अंदर कभी भी तेजाबियत नहीं होगी, आपको खाना हजम हो जाएगा और दोस्तों आपका जिस्म पर सुकून होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और दोस्तों आपको ना डिप्रेशन होगी, ना एंजाइटी होगी, ना किसी किस्म की जलन होगी, खाना भी बहुत अच्छे से हजम होगा। तो दोस्तों इसे से अपनी रूटीन बना लें, खाने के बाद आप जो है तुलसी यानी न्याजबो की जो है चाय बना के पिया करें पत्तियों की, तो आसानी के साथ ये आपको फ्रेश फॉर्म में भी मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। और दोस्तों दूसरा नंबर पर भी हमारा एक देसी फूड है, आसानी के साथ अवेलेबल होता है, तकरीबन हर घर में मौजूद ही होता है, शक्कर या गुड़। और दोस्तों अगर सर्दी है तो नीम गर्म पानी में, अगर गर्मी है तो कदरे ठंडे पानी में या रूम टेम्परेचर पानी के ऊपर एक ग्लास आप लेके उसके अंदर एक चम्मच जो है शक्कर शामिल कर दें दोस्तों, या 2 से 3 इंच का जो है गुड़ का पीस लेकर आप उसे पीस कर पानी के अंदर शामिल करके मिक्स कर लें और उस एक ग्लास पानी को आप पी लें, तो खाने के बाद आपको जो तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, वो नहीं होगी, आपको किसी भी किस्म की जलन नहीं होगी, खाना आपको बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप जो है ताज़ा जो गन्ने का रस का एक ग्लास भी पी सकते हैं। और दोस्तों मैंने तीनों ऑप्शंस आपको बता दिए, गन्ने का रस इस्तेमाल कर लें, शक्कर इस्तेमाल कर लें या गुड़ को इस्तेमाल कर लें, तो ये तीनों चीज़ें जो आपको तेजाबियत नहीं होने देंगी। चलिए दोस्तों तीसरे फूड आइटम की तरफ आते हैं, ये भी करना बहुत आसान है। आपने मिर्च मसाले वाला खाना खाया, मुर्गन गजाएं खाई हैं, तो इजीली आपको जो है लस्सी आपको अवेलेबल होती है अरेबिक कल्चर के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कल्चर के अंदर, दोस्तों स्पेशल ईरानियन बलोची जो कल्चर के अंदर और पंजाब के अंदर भी खाने के बाद जो है लस्सी को लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाटी की लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है, मीठी लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप जो है नमकीन चाटी की लस्सी इस्तेमाल करें। इसे बनाने के लिए आप जो आधा ग्लास दूध ले लें, आधा ग्लास आप दही ले लें, 2 से 3 चुटकी नमक ले लें, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें या चम्मच के साथ मिक्स करके आप पी लें। चलिए दोस्तों चौथे फूड आइटम की तरफ आते हैं, ये भी आसानी के साथ अवेलेबल होता है। तो दोस्तों मार्केट से आप जो है नारियल पानी लेकर आए, एक ग्लास नारियल पानी पी लें, मुर्गन गजाएं खाइए या फिर ऐसी तेज मिर्च मसाला खाए, तो इससे भी आपको तेजाबियत नहीं होती। अगर आपको कोकोनट जो है वाटर नहीं मिल रहा तो आप घर के अंदर भी बना सकते हैं, एक 2 से 3 इंच का जो है कोकोनट का पीस लेकर आप उसे एक ग्लास पानी के अंदर डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, उसके बाद छान कर उसे पी लें, तो उससे भी आपको मैदे के अंदर एसिडिटी नहीं होती, तेजाबियत नहीं होती, इसे करना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों पांचवें फूड आइटम की तरफ आते हैं, ये भी आसानी के साथ हर घर के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आप 1 टीस्पून जो है सौंफ को एक ग्लास पानी के अंदर जोश देकर उसे छान के ठंडा करके पी लें खाने के बाद, तो ये भी पेट के अंदर जितनी भी तेजाबियत है उसे खत्म कर देता है और दोस्तों एसिडिटी से बचाता है। सौंफ की बनाकर अगर आप चाय पिएंगे तो ये बेहतरीन है, खाने को हजम करती है, पेट की हर किस्म की बीमारी को दूर करती है, आंतों की हर बीमारी को दूर करती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको सांस की जलन नहीं होती, खाना आपको बहुत अच्छे से हजम होता है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये एसिडिटी यानी तेजाबियत से बचने के लिए जो मैंने 5 जो है आपकी चीज़ें बताई हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत है, अपनी जल्द आपसे टेक केयर।